दोस्तों मालती चौहान के बाद गोरखपुर के मोहली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिस लड़की की वजह से विष्णुराज अपने ही पत्नी को इसे दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा करवा दिया, आज उसकी वही प्रेमिका यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। जी हाँ दोस्तों, यह बात हो रही है राधिका की। वही राधिका जो कि मदद मांगने के मकसद से विष्णुराज और मालती चौहान के जीवन में आई थी और उनके घर पर रहने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस राधिका पर विष्णुराज की आशिकी आ गई और वह उससे प्यार करने लगा, जिसके बाद वह अपनी ही पत्नी मालती को रास्ते से हटाने के प्रयास लगा हुआ था। यहाँ तक कि मालती चौहान का भी कहना था कि मैंने उन दोनों को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। इस बात को दबाने की कोशिश में मालती चौहान के साथ जो कुछ हुआ है वह आप लोगों के सामने ही है। विष्णुराज इतना गिरा हुआ इंसान है जो कि कोई भी इतना नहीं सोच सकता है, जो कि उसका एक मासूम बेटा होने के बावजूद भी वह इस तरीके का कर्म करेगा ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं किया था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि गलत के साथ गलत ही होता है। जिस तरीके से आज विष्णुराज की प्रेमिका राधिका राज जिस लड़की की वजह से मालती चौहान यह दुनिया छोड़कर चली गई, आज राधिका भी हम लोगों के बीच नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, वही राधिका जो कल तक मालती चौहान और विष्णुराज के घर पर मदद मांगने के मकसद से आई थी और उनके घर पर रह रही थी, लेकिन अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर विष्णुराज को और उसका घर बर्बाद करने की कोशिश में लग गई और आखिरकार उसका घर उसने बर्बाद कर ही दिया था। वैसे दोस्तों मालती चौहान और विष्णुराज के विवाद में आप लोग राधिका को किस हद तक दुश्मन मानते हैं, किस हद तक आरोपी मानते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। धन्यवाद।